हरदोई में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बघौली थाना इलाके में पूर्व होमगार्ड और पत्नी की घर के अंदर गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामला काईमऊ गांव का है, जहां पूर्व होमगार्ड संतराम अपनी पत्नी के साथ गांव के पास मकान बनाकर रहते हैं। इनके दो बेटे हैं जो दिल्ली में रहकर मजदूरी और व्यवसाय करते हैं। बुधवार की सुबह गांव के लोग जब घर की तरफ निकले तो घर में कोई हलचल नहीं दिखी, जिसके बाद लोगों को कुछ आशंका हुई। इसी बीच संतराम का छोटा भाई सियाराम आ गया तो उन्होंने घर के दरवाजे को खोला और देखा दोनों का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। जैसे ही दोनों की हत्या की सूचना गांव के लोगों को लगी तो गांव में हड़कंप मच गया। सर अपने घर से आया जब, तब यहाँ पे दो लोग खड़े थे तो कहने लगे मैं बहुत एक घंटे से इनको आवाज दे रहे नहीं खोल रहे दरवाजे, तो भैया देख रहे हो तुम भी क्या बात है। तो मैंने गेट हल्का से खोला तो भाभी मेरी लगता थी, तो मेरा दिमाग खराब हो गया, बाहर रखने लगा, बता दिया भैया कत्ल हो गया। फिर गाँव में चर्चा हो गई, धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा हो गए, अंदर किसी ने जाने दिया मैंने। किन की हत्या की गई है? मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी भाभी। कैसे हत्या की गई और क्या रंजिश थी वगैरह थी? सर रंजिश नहीं। वहीं डबल मर्डर की जानकारी होते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जाकर कुछ साक्ष्य जुटाए। ये ग्राम काईमऊ है, थाना बघौली क्षेत्र में। इसमें प्रातः सूचना मिली है कि एक वृद्ध व्यक्ति लगभग 60 वर्ष के हैं, उनकी पत्नी, दोनों की हत्या हुई है। मौके पर देखने से पाया गया कि गले पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। इनके पुत्र भी मौके पर हैं, किसी पर शंका है कोई जाहिर नहीं की गई है। इसमें पड़ताल की जा रही है कि किस कारण हत्या की गई है। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है मौके पर कि ये कल देर शाम या अगली रात में किसी टाइम में कृत्य किया गया है। कैसे क्या प्राथमिक तौर पर क्या पता चला है कि क्या किसी कोई विवाद वगैरह? अभी तो किसी के द्वारा कोई ऐसी रंजिश या विवाद बताया नहीं गया है। पुलिस द्वारा सभी पहलू पड़ताल की जा रही है और क्वालिटीज वगैरह भी देखे जाएंगे, कहीं कोई आया गया हो या कोई और बात है, उससे नतीजा कोई निकलेगा। फिलहाल अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस अभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है और पुलिस अधिकारी जल्दी ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।